नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका स्वागत, अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम, हमारे इस चैनल खेल ग्रहों का। मैं ग्रह नक्षत्र बदलते रहते हैं, तो ग्रह नक्षत्र के आधार पर ही ज्योतिष का विश्लेषण भी बदलता रहता है। अर्थात आज जो ग्रह जिस राशि में है, मान लीजिए साल भर के बाद में, एक महीने के बाद में, दो महीने के बाद में वो ग्रह जिस राशि में होगा, उसके अनुसार आपको विश्लेषण देखते हुए उसका फल आपको प्राप्त होगा। ज्योतिष का आधार राशि है, ज्योतिष का आधार ग्रह है, ज्योतिष का आधार लग्न है, दशा है, और साथ में नवांश कुंडली या बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एक साथ में 9 चीज़ें देखनी पड़ती है, जो कि सामान्य तौर पर देखा जाना जरूरी है। हर व्यक्ति की जिज्ञासा होती है, आपकी भी जिज्ञासा होगी कि इस समय 2019 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में किसका पलड़ा भारी है, कौन बलवान रहेगा, कौन आगे बढ़ेगा, जनता किसके साथ में खड़ी है, कौन मुद्दों पर बहुत सटीक राय दे रहा है, कौन डायनामिक पर्सनालिटी के साथ में आगे बढ़ रहा है, किस में ताकत ज़्यादा है, किस में देश को आगे ले जाने की शख्सियत या स्ट्रेंथ ज़्यादा है और किस में गुण ज़्यादा है। हम किसी की जिंदगी में पर्सनली नहीं झांक रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष के आधार पर विश्लेषण करने का प्रयास भर कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ यह प्रयास आपको पसंद आएगा, क्योंकि आपकी ही जिज्ञासाओं, आपकी ही ईमेल्स, आपके ही फ़ोन कॉल्स, और जब भी मिलते हैं तब आप यही बोलते हैं कि लोकसभा चुनाव के बारे में, श्री राहुल गांधी जी के बारे में, नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप क्यों नहीं भविष्यवाणी करते, आप क्यों नहीं एपिसोड बनाते। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि 2014 में जब श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उसके 2 साल पहले सिर्फ और सिर्फ जब गुजरात में चुनाव हो रहे थे, उस समय से हम भविष्यवाणी कर रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। और सारी की सारी भविष्यवाणियाँ जो हमारी मंथली मैगजीन विश्वतंत्र ज्योतिष मासिक पत्रिका में निरंतर छपती है, आप कभी भी हमारी वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं कि कितनी भविष्यवाणी हमने की है और कितनी सही हुई है। लगभग मैं ये बोल सकता हूँ 99% हमारा परसेंटेज है जो कि एनालिसिस का सही है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि इस समय देश में जो माहौल है, जो गर्मा गर्मी है, जो स्थितियां हैं, जो जिज्ञासा है, जो क्यूरियोसिटी है, क्या उसका कोई हल, क्या उसकी कोई जिज्ञासा पूर्ति संभव है ज्योतिष के माध्यम से, तो हम आपके ऊपर ही छोड़ देंगे ये एनालाइजेशन करने के बाद में। हर व्यक्ति के बारे में क्या खास है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ज्योतिष के आईने में हमें देखने का प्रयास कर रहे हैं। आप इस एपिसोड को अंत तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ पाए कि विश्लेषण कितना सही आपको सुना, देखा और समझा। श्री राहुल गांधी जी की कुंडली तुला लग्न की कुंडली है, लग्न में बृहस्पति है और राशि धनु राशि है। श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली वृश्चिक लग्न की है और राशि भी वृश्चिक ही है। जो दशा चल रही है श्री राहुल गांधी जी को, अभी जो दशा चल रही है वह है मंगल में शुक्र की दशा और राहु में राहु की दशा है। 15 अप्रैल 2019 से लगने जा रही है, अर्थात 11 अप्रैल 2019 को लोकसभा चुनाव आरंभ होंगे और इसके सिर्फ 4 दिन बाद ही, और उसी दिन सूर्य भी बलवान हो जाएंगे अर्थात अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे। तो इन ग्रहों का जो कुछ भी गोचर की स्थिति है, जो कुछ भी प्रेजेंट पोजिशन है, और डे टू डे ये ग्रह पोजिशन बदलती रहेगी। आप जब ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, आप जब ये जो वीडियो अपलोड कर रहे होंगे या अपने घर में कोई भी काम करेंगे, उस समय भी ग्रह अपनी गति से चलायमान रहेंगे, बदलते रहेंगे। और सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट अगर आपको किसी ग्रह के बारे में जानना है तो 54 घंटे में, 54 आवर्स में चंद्रमा एक राशि से दूसरी राशि पर पहुंच जाते हैं इस समय। और इस समय से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो भी कुंडली है उसका लग्न की पोजिशन कितनी स्ट्रेंथफुल है, उससे उसका व्यक्तित्व का निर्माण होता है। श्री राहुल गांधी की कुंडली में जो लगने से अर्थात लाइफ का लॉर्ड है वह है शुक्र, और शुक्र कुंडली में 10th हाउस में है। शुक्र कुंडली का की प्लेनेट है, लग्न का अधिपति लाइफ लॉर्ड है वो कुंडली में 10th हाउस में, अर्थात एक त्रिकोण का अधिपति केंद्र में। फर्स्ट हाउस को त्रिकोण भी कहा जाता है और केंद्र भी कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में सुख सुविधाओं से संपन्न अर्थात लग्जरियस लाइफ जीने वाला व्यक्ति बनता है। ये आप सबको मालूम है कि राहुल गांधी जी इस देश की एक नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के पुत्र हैं, इस देश के एक प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के पुत्र हैं, और इस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। और लोकसभा चुनाव में जो मुख्य रूप से प्रतिद्वंद्वी है श्री राहुल गांधी जी हैं कांग्रेस की ओर से, और नरेंद्र मोदी जी हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। अब बात करते हैं राशि की। राशि का अधिपति इस कुंडली में बृहस्पति है,
जो कि लग्न में है, शत्रु राशि में है, तो आप जब भी देखेंगे कि कोई ग्रह जो सात्विक ग्रह है वो शत्रु राशि में जाकर के इतना बलवान नहीं होता, उल्टा वहाँ पर पीड़ित हो जाते हैं, जो उसके अंदर गुण हैं उन गुणों में कमी आ जाती है। बृहस्पति के अंदर क्या गुण है? बृहस्पति सबसे ज़्यादा सात्विक बोला जाता है, सबसे ज़्यादा धार्मिक माना जाता है, सबसे ज़्यादा ज्ञानी माना जाता है, दूसरों को सिखाने वाला ग्रह बृहस्पति है, धर्म का उपदेश देने वाला ग्रह बृहस्पति, फाइनेंशियल लॉर्ड बृहस्पति है। लेकिन वही बृहस्पति इस कुंडली में सिक्स हाउस का लॉर्ड भी है, थर्ड हाउस का लॉर्ड भी है। थर्ड हाउस को पराक्रम भी बोला जाता है, लेकिन वो अष्टम से अष्टम होने से मारक भी होता है। और सिक्स हाउस का मतलब है कंपटीशन, सिक्स हाउस का मतलब है जो भी वाद विवाद है उसमें विजय होने के लिए सिक्स हाउस को देखा जाता है। तो दो ग्रहों का, दो भावों का मालिक होकर के बृहस्पति लग्न में है। तो ज्योतिष का एक सिद्धांत भी है कि 100 दोषों को दूर करने का काम सिर्फ एक बृहस्पति कर सकता है यदि वो लग्न में हो। तो ये स्थिति इस कुंडली में है। बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन का लॉर्ड, एजुकेशन का मतलब सिर्फ पढ़ने लिखने से नहीं है कि आपने ट्वेल्थ कर ली, आपने ग्रेजुएशन कर ली, आपने एमबीए कर लिया, आपने लॉ कर दिया, एक्स वाई जेड आपने कुछ भी पढ़ लिया, वो बुकिश नॉलेज है, जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई जिसको किताबी ज्ञान बोलते हैं वो चीज़ है। लेकिन जब आप समझदारी की बात करते हैं, जब आप दुनियादारी की बात करते हैं, जब आप प्रैक्टिकलिज्म की बात करते हैं, तब वह समझदारी से माना जाता है, सहजात बुद्धि से माना जाता है। तो इस पंचम भाव का अधिपति शनि कुंडली में नेगेटिव है, नीच राशि का है, अतः जो आपने एजुकेशन ली है उसका फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं कि उन्होंने एजुकेशन किसी और क्षेत्र में ली लेकिन काम कोई और क्षेत्र का कर रहे हैं। मैं अपना ही एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि मैं कंप्यूटर से ग्रेजुएट, कंप्यूटर की जितनी डिग्रियाँ हैं वो मैंने बहुत सारी ली हुई हैं, लेकिन मैं काम सूर्य चंद्रमा मंगल अर्थात ज्योतिष का कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे फोर फादर यही करते थे, मेरे पिताजी यही करते थे, मेरे बड़े पिताजी यही करते थे, मेरे दादा भी यही करते थे। और हमारे खानदान में चाहे मेरा पुत्र हो, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे मेरा छोटा भाई सूर्य श्रीमाली हो उनकी पत्नी हो, या मेरी बहन और उनके पति, सभी ज्योतिष का ही काम करते हैं। मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि ये गॉड गिफ्ट है, या एक प्रकार से ये भी बोला जा सकता है कि हमारे खून में ज्योतिष बहती है। हर व्यक्ति के हाथ में ज्योतिष से संबंधित किताबें देने का काम मेरे पिताजी ने किया। 1970 से घर घर में हाथ, हर प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में राशिफल देने का काम, ज्योतिष को लोग सिर्फ संस्कृत से संबंधित ज्ञान मानते थे, वो हर व्यक्ति को आसान भाषा में, हिंदी की भाषा में मिलने लग गया। उसका श्रेय हमारे खानदान को है। श्रीमाली जब बोला जाता है इसका मतलब ज्योतिष से संबंधित ही माना जाता है, वो खानदान जो ज्योतिष के क्षेत्र में समर्पित है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी बैकग्राउंड बताने, बात बात में जब निकल जाती है तो बात दूर तक चली जाती है। तो एजुकेशन का लॉर्ड सुख का अधिपति, और फिफ्थ हाउस ज्ञान का भी अधिपति है, फिफ्थ हाउस नॉलेज का भी अधिपति है, फिफ्थ हाउस एप्लीकेशन का भी अधिपति है, वो कुंडली में नेगेटिव है, नीच राशि का है। और नीच राशि का बृहस्पति जहाँ देख रहा है वो लग्न भी है, वो कुंडली में सुख भाव भी है, और वो कुंडली में भाग्य भाव भी है। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि बहुत अच्छी मानी जाती है, तो भाग्य भाव का अधिपति बुध है, जो अपने से द्वादश स्थान में बैठा है लेकिन मित्र स्थान में बैठा हुआ है, जो अच्छा है। ठीक यही स्थिति की अगर बात करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में बात करें, तो लग्न का अधिपति मंगल है। मंगल को सेनापति कहा जाता है। लग्न में मंगल होने का मतलब है जो व्यक्ति लड़ने भिड़ने को हमेशा रेडी है, जो अपने आत्मसम्मान की, जो अपने मान सम्मान की चिंता करने वाला व्यक्ति है, जिसको अपमान बर्दाश्त नहीं है। सेनापति को आपने कभी भी प्लीज़ बोलते हुए देखा है क्या? शायद नहीं। सेनापति ऑर्डर देते हैं, सेनापति सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट करते हैं, और जिसको डिसिप्लिन कहा जाता है उसका संदर्भ, उसका इजिकल टू अगर बोल देंगे तो वो सेनापति हो जाता है। जो आपके जीवन में डिसिप्लिन लेकर के आए उसको आप सेनापति बोल सकते हैं, कानून का रक्षक बोल सकते हैं, पुलिस बोल सकते हैं, सेना बोल सकते हैं, एक्सपेरियड किसी भी चीज़ से आप जोड़ सकते हैं। तो लग्न का अधिपति मंगल स्वराशि में है, चंद्रमा उसके साथ में आता है, राशि और लग्न दोनों एक ही है, वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि का मालिक कौन है? मंगल है। मंगल के अंदर क्या गुण है? मंगल के अंदर क्रोध, जोश, आवेश, एक प्रकार से स्ट्रेंथ, वह सब कुछ इस कुंडली में है, वो लग्न की ही देन है। तो जो आप उनकी कुंडली में गुस्सा देखते हैं, जो आप देश के प्रति एक भावना देखते हैं, जो आप लड़ने भिड़ने के लिए हमेशा लालायित देखते हैं, लड़ने भिड़ने का अर्थ यहाँ पर लड़े झगड़े से नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो देश में भ्रष्टाचार हो, चाहे वो देश के ऊपर आतंकवाद के प्रहार हो, चाहे पड़ोसी देशों से बार बार जो परेशानियाँ आ रही हो वो हो, या दूसरे जो भी हमारे देश को परेशान करने वाले, हमारे समाज को परेशान करने वाले जो घटक हैं उनके ऊपर हावी होने की जो नियति है, वो इस लग्न के कारण, राशि के कारण है। अब बात करते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन का अधिपति इस कुंडली में बृहस्पति है, वो बृहस्पति जो त्रिकोण का मालिक होकर के केंद्र में बैठा हुआ है, इस चीज़ को राजयोग बोला जाता है, वो राजयोग है।
यहाँ पर बृहस्पति शत्रु राशि में, लेकिन उसका स्थान, उसका भाव बलवान हो जाता है। अर्थात त्रिकोण का अधिपति केंद्र में जाना बहुत बलवान माना जा सकता है। और उसमें भी यहाँ पर देख लीजिए कि कुंडली में 10th हाउस में शनि कुलदीपक योग बना देता है। अर्थात जो आपका खानदान में, उसमें आपने जितनी प्रोग्रेस की होगी या आप जितनी प्रोग्रेस करेंगे उसके समकक्ष, उसके इक्वल कोई दूसरा प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। आपका आइडेंटिटी खानदान के नाम से, आपके नाम से जाना जाएगा। अर्थात आज की तारीख में जो कुछ भी लोग होंगे, उनके भाई बंधु होंगे, श्री नरेंद्र मोदी जी का खानदान होगा, वो किस नाम से जाना जाएगा? अरे नरेंद्र मोदी जी का खानदान है। अब बात करते हैं भाग्य की। तो भाग्य का अधिपति कुंडली में चन्द्रमा है, जो अपने से त्रिकोण स्थान में केंद्र में बैठा हुआ है। चन्द्रमा नीच राशि का है, उसके बावजूद भी तो चन्द्रमा नीच राशि का होने का फायदा क्या है? नुकसान तो बहुत है। इमोशनल सेंसिटिव, ट्रांसपेरेंट, काइंड हार्टेड, सपोर्टिव, ये सब कुछ बना देता है। और अच्छा करके वापस अच्छा पाना नीच राशि के चन्द्रमा के व्यक्ति को कभी नहीं मिलता है। आप अच्छा करते जाइए, आपके साथ में अच्छा नहीं होगा। ये अब जिंदगी भर का एक नियम है। इस जन्म में जो आपने जन्म लिया है उसमें आपको यश नहीं मिलेगा, उसमें आपने अच्छा किया उसका परिणाम नहीं मिलेगा, ये आपको हमेशा मान के चलना चाहिए। अर्थात आशा नहीं रखनी चाहिए। लेकिन चन्द्रमा का जो नीच राशि का, वापस सिक्के के दो पहलू होते हैं, जब इतना खराब है तो अच्छा भी तो कुछ होगा। तो अच्छा है हर चीज को बहुत जल्दी कैच करने की ग्रास्पिंग पावर, आपको बहुत जल्दी नॉलेज, आपको बहुत छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज पहचानने का स्ट्रेंथ, और उसके साथ में ये बोल सकते हैं कि ग्रास्पिंग पावर, जबरदस्त ग्रास्पिंग पावर चन्द्रमा देता है जब चन्द्रमा नीच राशि का होता है। तो हर ग्रह अगर कोई नीच राशि का है तो जो खराब देगा उसके साथ कुछ अच्छा भी तो देगा। सांप काटता है, सांप किसी को डस लेता है, मृत्यु हो जाती है, लेकिन वही सांप का जहर दवाई बनाने के काम भी आता है, वैक्सीन बनाने के काम भी आता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ज्योतिष में यही सिद्धांत काम करते हैं, प्लस और माइनस दोनों को देख देख कर चलना पड़ता है। अब इस समय दशा कौन सी चल रही है? श्री राहुल गांधी की जो दशा चल रही है वो दशा चल रही है मंगल में, शुक्र की दशा से 2017, 9 मार्च 2017 से जब मंगल में शुक्र की दशा आई थी, वहाँ से राहुल गांधी में डायनामिक परिवर्तन। अर्थात एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि 2017 से पहले जो स्थिति थी राहुल गांधी की और अभी जो है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा चेंजेस है। एक व्यक्ति जो एकदम से पीछे खड़ा रहता था, दबाव महसूस करता था, आज की तारीख में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में, फाइटिंग स्पिरिट के साथ में, और एक प्रकार से बोल सकते हैं खोल में से जैसे कोई व्यक्ति निकल जाता है, वो प्रतिभा, वो स्ट्रेंथ, वो पावर के साथ में वो बोलते हुए दिखाई देते हैं, वो फाइट करते हुए दिखाई देते हैं। ये बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़े परिवर्तन है जो उन्होंने अपने आप में हासिल किया है, ये बोल सकते हैं। 11 अप्रैल 2019 को 17वीं लोकसभा के चुनाव आरंभ हो जाएंगे। 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। 15 मई 2019 तक ये चुनाव चलेंगे। 25 मई के आसपास रिजल्ट आएगा और उसके बाद में कौन बनेगा सरकार, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये सारी जिज्ञासाओं के, सारे प्रश्नों के हल मिल जाएंगे। लेकिन ये जानने का उद्देश्य आज की तारीख में, आज के एपिसोड में यही है, किसका पलड़ा भारी है, कौन आगे बढ़ने की उम्मीद है। मैं फिर याद दिला देता हूं आपको इन बातों ही बातों में कि मैं किसी पार्टी के प्रचार के रूप में किसी के स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और किसी की मिजाज पुरुषी के लिए यहां पर नहीं हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने दर्शकों के लिए, ज्योतिष के लिए यहां पर हूं, ताकि हम जान पाएं कि ज्योतिष कितना हद तक किसी की ज़िंदगी को प्रभावित कर सकता है और एनालिसिस करके बातों को जान सकता है। हर व्यक्ति चाहता है जिंदगी में अच्छा करना, हर व्यक्ति चाहता है जिंदगी में सफल होना, हर व्यक्ति चाहता है जो वो कर्म करे उसका फल अच्छा मिले, लेकिन अच्छा फल मिल पाता है क्या? शायद नहीं। लेकिन क्या मिलने वाला है उसको जान करके आप सेफ साइड में तो खड़े हो सकते हैं, सबसे बड़ी चीज यही है। और मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करने वाला, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला एस्ट्रोलॉजर हूं। मैं आपको गोल गोल बातें जिसको आमतौर पर व्यक्ति सुनना चाहता है कि आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, जिंदगी बहुत सफल होने वाली है, आप प्रयास करते रहिए, आप ये उपाय कर दीजिए, ये सब कुछ मेरे मुंह से नहीं निकल सकता, मैं आपको नहीं बोल पाऊंगा। यदि आप स्पष्ट सुनना चाहते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होकर के बहुत क्लियर बातें जानना चाहते हैं, तब जरूर संपर्क कीजिए अपनी कुंडली के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। लेकिन हम आज प्रॉब्लम ये लेकर के बैठे हैं कि इस समय लोकसभा चुनाव के संदर्भ में जो कन्फ्यूजन है उसका क्या क्लियर हो सकता है, क्या विजन क्लियर हो सकता है इस एनालिसिस के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से। तो मैं बोलूँगा हाँ, निर्णय आपको करना है, मैं सिर्फ आपको फैक्टर बता रहा हूँ, मैं आप सबको सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूँ,
क्या सही है क्या गलत है ये सब आपको जानना है। अल्टीमेटली वोट आपको देना है और वोट जरूर देना है, क्योंकि वोट देना आपका अधिकार नहीं, आपका कर्तव्य है, आपका राइट तो है ही है, लेकिन आपकी ड्यूटी भी है और ड्यूटी जरूर निभाइएगा। अब बात करते हैं गोचर की, कि इस समय जो प्रेजेंट पोजिशन है, जो ग्रह चेंज होने वाले हैं, ये इन दोनों महान हस्तियों को क्या गुण देंगे, क्या बलवान बनाएंगे, क्या अच्छा देंगे और क्या बुरा देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य से। 14 अप्रैल 2019 को सूर्य बदल जाएंगे, 11 अप्रैल 2019 को लोकसभा चुनाव आरंभ होंगे और 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में आ जाएंगे, अर्थात मोस्ट पॉजिटिव हो जाएंगे, उच्च राशि के हो जाएंगे। राहुल गांधी जी की कुंडली में सूर्य गेन के अधिपति हैं, 11th हाउस के लॉर्ड हैं, और उनकी कुंडली में एक खास चीज़ और भी है कि गेन का अधिपति सूर्य कुंडली में भाग्य से संबंध रखता है, और इस समय भाग्य में बैठा हुआ सूर्य जो उनकी कुंडली में बलवान ग्रह है वो उच्च राशि का होने जा रहा है, तो उससे उनके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, उनको जनता का सहयोग मिलेगा और उनके अंदर ऐसे साथी मिलेंगे जो उनको और ज़्यादा युक्तिसंगत बना देंगे, या ये बोल सकते हैं उनको इतना सपोर्ट करेंगे कि आपको उनमें और ज़्यादा बेटर चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो आप देखना चाहते हैं, जो आप एक नेता के रूप में देखना चाहते हैं, जो आप एक व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हैं जिसके पीछे आप चल पड़े। सूर्य के संदर्भ में हम श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के बारे में बोलेंगे, तो कुंडली में 10th हाउस का मतलब कर्म है, उसका अधिपति मोस्ट पॉजिटिव होने जा रहा है, उच्च राशि का होने जा रहा है, तो कर्म करने से ही आपको उसका फल मिलेगा और वो सूर्य 6th हाउस में चला जाएगा। राशि कुंडली से 6th हाउस में जाना, पापी ग्रह जो भी होते हैं, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो मंगल हो, चाहे वो शनि हो, चाहे राहु हो, केतु हो, 3rd हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस में बहुत ज़्यादा बलवान होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल फल देते हैं और बहुत बेटर फल देते हैं, बहुत प्यारा फल देते हैं। तो ये सूर्य का राशि परिवर्तन श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए राहुल गांधी जी से बहुत ज़्यादा बेटर है, और आगे आने वाला सूर्य इससे भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि वो राशि से 10th हाउस में आ जाएगा, जो कर्म का अधिपति अपने से भी कर्म भाव में बैठ करके और ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में वो लग्न को देखेगा। फिर बात करते हैं मंगल की, जो मंगल की पोजिशन इस समय है 22 मार्च से लगा करके 7 मई 2019 तक मंगल वृष राशि में है, वह मंगल जो कि जन्म कुंडली में जो मिथुन राशि का है मंगल, उससे ठीक अपोजिट, इससे ठीक द्वादश भाव में मंगल आकर के उस स्ट्रेंथ में कमी करता है, क्योंकि मंगल की दशा श्री राहुल गांधी को चल रही है, जो हम दशा की बात करते करते बीच में स्किप कर गए थे, वो दशा की अगर बात करें तो श्री राहुल गांधी को मंगल की दशा चल रही है, वो लास्ट स्टेज पर है। 15 अप्रैल 2019 को उनको राहु की दशा स्टार्ट हो जाएगी, राहु शनि के समान फल करता है और शनि कुंडली में की प्लेनेट है। श्री नरेंद्र मोदी जी को चंद्रमा की मां दशा चल रही है, केतु का अंतर चल रहा है, सूर्य चंद्रमा और मंगल ये तीनों का प्रत्यंतर रहने तक 27 मई 2019 तक ये तीनों प्रत्यंतर वो भोगेंगे, तो सूर्य की बात करें तो बेटर है, चंद्रमा की बात करें तो भाग्य का अधिपति है, मंगल की बात करें तो लग्न का अधिपति है, तो तीनों प्रत्यंतर की पोजिशन इस समय जो उनको मिल रही है वो बेटर है, अर्थात दो कदम आगे वाली स्थिति यहाँ पर है सिर्फ ज्योतिष के आईने में दशाओं के संदर्भ में। बृहस्पति की बात करेंगे तो बृहस्पति राहुल गांधी जी की कुंडली में 3rd हाउस और 6th हाउस के लॉर्ड हैं। 3rd हाउस को मारक बोला जाता है, 3rd हाउस को कष्ट प्रदान बोला जाता है, 6th हाउस को कंपटीशन बोला जाता है, उसका अधिपति 3rd हाउस में आ जाएगा, जो कि पहले से ही 29 मार्च तक राशि से सेकंड चल रहे थे, राशि से 12th चल रहे थे, वो राशि में ही आ जाएंगे, तो थोड़ा बहुत सहायता करेंगे, तो थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट देंगे जो पहले से टाइम पीरियड आ रहा है, लेकिन 23 अप्रैल 2019 को बृहस्पति वापस पहले वाली पोजीशन पे बैठ करके, पहले वाली पोजीशन पे जा करके वापस संघर्ष में स्थिति दे सकते हैं, संघर्ष की ओर इशारा करते हैं, लेकिन बृहस्पति यहाँ पर बोला जाए तो राशि से सेकंड बृहस्पति बेटर होता है, वो बेटर है 23 अप्रैल तक, और उसके बाद में भी वापस बैक भी चला जाएगा वृश्चिक राशि में, तब भी राशि के साथ में जाएगा, राशि कुंडली में जाएगा, लग्न में ही जाएगा, जो कि नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही फल देगा। राहु की बात करें, राहु कुंडली में मिथुन राशि में आकर के 6 मार्च 2019 को राहु मिथुन राशि में आ चुके हैं, वहाँ पे आकर के एक बार मैंने कहा है कि राजनीति में सबसे न्यूनतम स्तर पर आने का काम राहु करते हैं, राशि से 8th हाउस में आ चुके हैं राहु श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में, और श्री राहुल गांधी जी की कुंडली में राहु भाग्य भाव में है, जो राहु जन्म के राहु हैं वहाँ से त्रिकोण स्थान में है, पंचम स्थान में है, तो ये बोल सकते हैं श्री राहुल गांधी की कुंडली में इस समय शनि की 7.5 का सेकंड फेस स्टार्ट है,
श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में शनि की साढ़े साथी का थर्ड फेज चल रहा है। जब से शनि की साढ़े साथी का थर्ड फेज नरेंद्र मोदी जी को लगा है, वहाँ से वो काफ़ी बेटर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, वहाँ से काफ़ी एक डायनामिक पर्सनालिटी के साथ साथ में एक बहुत सटीक निर्णय लेने वाला, जल्द निर्णय लेने वाला और बहुत सही निर्णय लेने वाले व्यक्ति के रूप में पहचान बना रहा है। शनि की साढ़े साथी के बारे में कहावत भी है कि वो जाते जाते बहुत ही ज़्यादा बेटर आपको अचीवमेंट और प्रोग्रेस देके जाता है, क्योंकि एग्जाम होता है तो एग्जाम के बाद में रिजल्ट ही आता है। तो शनि की साढ़े साथी आपके जीवन का एग्जाम है और श्री राहुल गांधी जी की कुंडली में शनि की साढ़े साथी अभी एग्जाम ले रही है और इस समय सेकंड हाउस सेकंड फेस है जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है, सबसे ज़्यादा संघर्ष देता है, सबसे ज़्यादा परेशानी करता है। सारे स्पष्टीकरण, सारे मैंने पैरामीटर्स आपके सामने रखे हैं ज्योतिष के आईने में, इसके बारे में घंटों बात की जा सकती है, लेकिन क्योंकि समय सीमित है और आपको मैं ज्योतिष सिखाना नहीं चाहता हूँ, मैं इसके माध्यम से सब बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार हमारे जीवन को ज्योतिष प्रभावित करती है और कैसे हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे हम जिंदगी में सफल हो सकते हैं या जो असफलता है उसको सीमित कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। एक बार फिर लोकसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और आप अपना अमूल्य वोट जरूर दें, उसको व्यर्थ नहीं जाने दें। वोट देना आपका अधिकार ही नहीं, आपका कर्तव्य है। आप भी वोट दें और आपकी संतान यदि 18 वर्ष की हो चुकी है तो जरूर उनको भी ले जाएं ताकि उनको भी मालूम पड़े कि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में सरकार बनाने का दायित्व आपके हाथ में भी है। आप जो विचार, जो ज्योतिष एनालिसिस है उसको जान करके अपने दिमाग से सोचिए कि किस व्यक्ति में क्या गुण है, किस पार्टी में क्या गुण है, प्लस माइनस आप खुद निर्धारित कीजिए और उसके बाद में फैसला लीजिए। अफवाहों पर नहीं जाना है, रूमर्स पर नहीं जाना है, कोई व्यक्ति कुछ और बोल रहा है या हमारे गांव में यही प्रथा, हमारे शहर में यही प्रथा है, हमेशा यही होता है, उस चीज़ को छोड़ते हुए आपने अपना निर्णय देना है इस चुनावों में। आज बस इतना ही, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए और देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग जरूर दीजिए, चिंतन मनन जरूर कीजिए ताकि हम वास्तव में इस देश को आगे बढ़ा पाएँ, विश्व के गुरु बन पाएँ। हार्दिक इच्छा है कि हम अपना ये ज्ञान दूसरों तक, दूसरी जो कंट्रीज़ हैं, दूसरे जो देश हैं वहाँ तक पहुँचाएँ। नमस्कार।